हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट के काफी सारे पावर्स और फंक्शंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है जिससे मैं आपको पार्लियामेंट के जो स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव फंक्शंस होके इनके बारे में बताऊंगा, और इससे जो हमने पहले की चीजें पढ़ी है उसका थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। तो देखिए, हमें पता है कि पार्लियामेंट का सबसे पहला काम है कि हमारी जो कंट्री का गवर्नेंस है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके लिए जो लेजिस्लेशंस निकलते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो पार्लियामेंट ही उसमें मेन रोल प्ले करता है, डिस्कशन का, एनालिसिस का, हर चीज का, उसको पास करने का। अब वो पास सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है या स्पेशल मेजोरिटी से हो रहा है वो एक अलग बात है, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब आपको पता है कि यूनियन लिस्ट में इस समय 100% सब्जेक्ट्स हैं, लगभग पहले 97 सब्जेक्ट्स थे। एक होती है रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई डोमेन जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यूनियन के कंट्रोल के अंदर में आ जाएगा, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल के अंदर में आ जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आ जाएगा। तो जो पार्लियामेंट होता है उसका सोल प्रेरोगेटिव होता है, पूरी अथॉरिटी होती है किसके ऊपर? उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो आपकी रेजिडुअरी लिस्ट में आते हैं। देखिए, रेजिडुअरी लिस्ट वो लिस्ट होती है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एकदम से एक ऐसा टॉपिक निकल आया जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आजादी के बाद जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक निकल के आया ना, तो यार वो किसी भी चीज के, किसी भी लिस्ट के अंदर में नहीं था, ना यूनियन की लिस्ट के अंदर में था, ना स्टेट लिस्ट के अंदर में था, ना कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में था। तो शुरू में वो यूनियन लिस्ट के अंदर में ही आया, यूनियन के कंट्रोल में ही आया, यानी कि पार्लियामेंट कंट्रोल में आया, सेंट्रल कंट्रोल में आया। अब देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स है, पहले 47 सब्जेक्ट्स थे। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें आपको पता है कि स्टेट का भी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट की भी अथॉरिटी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्टिव वो भी अपना लॉ बना सकती है और इंडियन पार्लियामेंट भी अपना लॉ बना सकती है। लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई लॉ बनाया है तो ऑब्वियस ही बात है, एक कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडियन पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। देखिए फ्रेंड्स, होता यह है कि मान लीजिए अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया और उस स्टेट के लॉ को एसेंट मिल चुकी है गवर्नर की, या गवर्नर ने अगर उसको बिल को रेफर किया है प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट बिल को अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई तो वो स्टेट बिल को ही मान्य माना जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है कि पार्लियामेंट एक अल्टरनेट बिल बना के, कुछ अल्टरनेट प्रोविजंस रख के उस स्टेट गवर्नमेंट के पहले वाले बिल को नलीफाई कर सकती है। यानी देखा जाए तो पार्लियामेंट के पास कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी एक पावर है जिससे कि वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को हटा सकती है। तो कह सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें भी जो ज्यादा पावर है वो पार्लियामेंट की है, हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं कहना चाहिए, पर पार्लियामेंट में आप कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादातर जो बिल्स पास होते हैं वो रूलिंग पार्टी जो चाहती है वही बिल्स पास होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट को इंटरचेंज करके यूज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, ठीक है, इन सेंट्रल वाले लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट के, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉज बनेंगे अगर पार्लियामेंट बना रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के बने हुए लॉज को भी अपने तरीके से हटा सकती है, अपने बनाई हुई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकती है स्टेट की बनाई हुई पॉलिसीज के ऊपर। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉ बनेगा, जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, उसमें पार्लियामेंट हैज एन एज ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे आते हैं, ये तो हमने इसकी बात कर ली। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट अपना लेजिस्लेशन ला सकती है। स्टेट लिस्ट में अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, यानी जो 66 सब्जेक्ट्स थे ओरली उसमें से 5 निकाल दिए गए, तो स्टेट लिस्ट में केवल 61 सब्जेक्ट्स बचे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट थे उसमें आपके 47 से 52 हो गए, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो आप उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। आगे आते हैं, देखिए वो कौन से एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपका जो पार्लियामेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन पे भी लेजिस्लेट कर सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट किस डोमेन पे लेजिस्लेट करेगी? जो स्टेट लिस्ट के अंदर में लिखा हुआ, स्टेट लिस्ट के अंदर में जो कुछ भी टॉपिक्स लिखे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डोमेन्स हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट 5 केसेस में लेजिस्लेट कर सकती है। पहला केस वो हो सकता है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर के किसी टॉपिक पर अपना लॉ बना सकती है, तब हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो स्टेट से इलेक्ट होके ही जाते हैं, ये आपको पता है। दूसरा आता है कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में है तो उस समय में स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है। तीसरा, अगर
कोई दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर ये म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा, तो उस केस में भी पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है और वो लॉ उन स्टेट्स में अप्लीकेबल होगा जिन्होंने पार्लियामेंट को परमिशन दी है लॉ बनाने की। चौथा है कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी या कन्वेंशन को साइन किया है, तो उस कन्वेंशन को एप्लीकेबल करने के लिए भी जो नेसेसरी एक्शंस लेने की जरूरत है, तो अगर वो एक्शन स्टेट लिस्ट की किसी चीज से डील कर रहा है तो भी पार्लियामेंट को पावर है कि वो उस एक्शन को ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स की बात करें, ये कन्वेंशन है तो इस कन्वेंशन को फॉलो करना होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज अ यू नो रेटिफाई किया उसने इस कन्वेंशन को। तो अगर इंडिया को इसको इसकी प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए कोई ऐसी चीज करनी पड़े जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है। पार्लियामेंट इज फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक चेंजेस इन द स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द साइट्स एक्ट, क्योंकि ये कन्वेंशन है। उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को भी लागू करने के लिए पार्लियामेंट कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इवन इफ इट इज कंसर्न विद द स्टेट लिस्ट। आगे अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चालू है तो उस केस में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है किस पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। आगे आते हैं आर्टिकल 123 के अंदर आपने सुना होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है ड्यूरिंग द इन ऑपरेशन ऑफ वन और बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा या लोकसभा से कोई एक सेशन में नहीं है, दोनों ही सेशन में नहीं, तो उस केस में प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है और वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से मिलने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा, यानी ऑर्डिनेंस के अप्रूवल के लिए भी पार्लियामेंट का एसेंट जरूरी है उसके रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, उसके आगे आते हैं जो पार्लियामेंट होती है वो जब किसी एक लॉ को बनाती है, किसी एक एक्ट को बनाती है, तो एक स्केलेटन फॉर्म में आती है, उसको ऊपरी सतह पर डिसाइड करती है और जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है, ऑब्वियसली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उस पैरेंट लॉ को, उस स्केलेटन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसको हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। और जब ये डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं तो डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और पार्लियामेंट चाहे तो उस समय रूल्स एंड रेगुलेशन को नलीफाई भी कर सकती है वोट डाल के। तो फ्रेंड्स ये थे लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको मदद मिली होगी। इसके बाद मैं आपको और फंक्शंस बताऊंगा, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस बताऊंगा, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस बताऊंगा आपके इंडियन पार्लियामेंट के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, हैव अ नाइस डे।